खबर है सीएम कॉलेज दरभंगा से, जहां मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के उपलक्ष्य में क्विज, भाषण और निबंध प्रतियोगिता से 5 दिवसीय कार्यक्रम की हुई शुरुआत। इसमें आज भाषण प्रतियोगिता में अंबिका रश्मि, निबंध में विवेक कुमार तथा क्विज में उत्कर्ष मिश्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने कहा कि पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि उनके व्यक्तित्व का निरंतर विकास हो सके और आत्मविश्वास के साथ ही उन्हें पहचान भी मिल सके। प्रधानाचार्य ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए छात्रों के पास सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि कार्यकुशलता भी आवश्यक है। कार्यकुशलता सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं बल्कि लगातार अन्य गतिविधियों में भाग लेने से प्राप्त होती है। किताबी ज्ञान देना और इस चीज का लेना, और यहाँ पर एक्शन लेना होगा, यहाँ पर अपने आप को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज जो है एक दिन में नहीं आता। हम आज की बात करते हैं, खेल की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, खेल की बात करेंगे, तो वो खेल क्या है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या जो वॉलीबॉल हो, वो एक दिन नहीं होगा। अभी यार एक दिन खेल लेंगे, दो दिन खेल लेंगे और तीसरे दिन वो हम पूरा अच्छे हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। उसके लिए कंटिन्यूसली जो है लगातार जो है प्रैक्टिस करना होगा। जिस तरह पढ़ाई में प्रैक्टिस करते हैं, 3 साल का कोर्स होता है और प्रत्येक साल एग्जाम होता है, वो साल भर का कोर्स साल भर को पढ़ना होगा। आयोजन समिति के संयोजक मंजू राय ने कहा कि पढ़ना लिखना सुनना तथा बोलना सभी पढ़ाई के महत्वपूर्ण अंग है। प्रतियोगिता के साथ ही अन्य कार्यक्रम में भाग लेने से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है और उनका भावी जीवन भी सफल हो जाता है। कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर आर एन चौरसिया ने आगत अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उनका हौसला अफजाई किया और कहा कि प्रतियोगिता में कोई भी हारता नहीं है बल्कि कोई जीतता है तो कोई सीखता है। इस अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में अंबिका रश्मि प्रथम, सफीना महफूज द्वितीय तथा राहुल प्रियदर्शी व शमसुद्दीन ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में विवेक कुमार प्रथम, सिमरन व राहुल कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान तथा राहुल प्रियदर्शी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि क्विज प्रतियोगिता में उत्कर्ष मिश्रा ने प्रथम, दिव्यांशु कुमार सिंह द्वितीय तथा जयप्रकाश कुमार साहू व अमन कुमार झा ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें दिनांक 31 जुलाई को समारोह के समापन के मौके पर प्रमाण पत्र तथा मेडल आदि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया। रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है और पुनः आज के बाद 25 तारीख 27 29 को भी प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि 31 तारीख को इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र तथा मेडल आदि से सम्मानित किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छात्र छात्रा इसके आयोजन के माध्यम से विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक जान सकेंगे और उनके साथ साथ व्यक्तित्व का विकास होगा, अनुशासन सीखेंगे और चरित्र निर्माण भी होगा। मैं डॉक्टर आर एन चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रबंधक, आयोजन समिति के सदस्य के रूप में सीएम कॉलेज दरभंगा। खबर है दरभंगा से, पूजा पाठ करने के लिए लोगों के द्वारा भांग धतूरा बेलपत्र फूल की बिक्री की जा रही है, जहां छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भांग धतूरा बेलपत्र फूल की बिक्री की जा रही है। बता दें कि बच्चे खुद आसपास के बगीचे से बेलपत्र फूल, भांग के पेड़ तोड़कर लाते हैं और मंदिर के आगे बेचने का काम करते हैं। पूछे जाने पर बताया जाता है कि यह बच्चे जो प्रत्येक सोमवार को सुबह में इस सामग्री का बिक्री करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि यह गरीब परिवार के लोग हैं, जीवन यापन करने के लिए यह काम कर रहे हैं, इसमें परिवार के लोगों की भी सहभागिता है। बच्चा सब फूल माला बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, भला के चढ़ा रहा है, बिजनेस करते बच्चा सब बेच रहा है, पलिया के कोसी चलाता है, गाती चलता है, कोसी से आंध्र गाती से चलता है, दरभंगा शहर के लहड़े सराय में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही।
जहां अभी भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें यह काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, यहां लोग काफ़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। वहीं सुबह से लाइन में लगकर लोग पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नजर आए। यहाँ तेज धूप में भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सावन पर्व को लेकर के पहली सोमवारी को भक्तजन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं लोग, जहां भोले बाबा की शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। जहां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का कहना है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई निर्जला व्रत रख रहे हैं तो कोई जलाभिषेक कर भोजन कर लेते हैं तो कोई मंत्र जाप के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। जो है इस साल का जो सावन का जो विशेष महत्व होता है, इसके लिए सालों से लोग इंतजार करते हैं। इसमें हर्षोल्लास के साथ लोग जो है तो सावन का ये पर्व लोग मनाते हैं। आज सुबह से बाबा के यहाँ जो है 3 बजे भोर से ही जलाभिषेक जो है और लाखों की संख्या में जहाँ तहाँ जो है द्वार महादेव का जो मंदिर है वहाँ जो है भीड़ जो है भक्तजन लगा के अपना जल अभिषेक कर रहे हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं ये पर्व। सबका अपना अपना पूजा करने का तरीका होता है। इसमें है लोग क्या कि जैसे जो लोग अपना मन्नत लेके आते हैं कि हे प्रभु आज मेरा ये काम सफल कर देंगे तो ऐसे करेंगे वैसे, सभी अपने अपने स्तर से अपना पूजा का जो है ठीक करते पूरा करते हैं। खबर है दरभंगा से। सावन की पहली सोमवारी को लेकर के भक्त की उमड़ी भीड़ मंदिर में। शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि सावन की आज पहली सोमवारी है, जहां लोग अपनी कामना पूर्ण होने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। सावन मास को शिव का महीना आदिकाल से घोषित किया गया है। श्रावण में सभी भक्तजनों को एक महीना पहले से पूर्णतया खुशी हर्षोल्लास के साथ श्रावण का इंतजार रहता है। लोग सुबह 4 बजे से तांता लगाकर भक्तगण शिव को जलाभिषेक, कोई दूध से अभिषेक, कोई फल के जूस से अभिषेक, कोई दुर्वा के रस से अभिषेक, कोई बिलपत्र के रस से अभिषेक करते हैं और विभिन्न भक्तगण विभिन्न तरह के फल फूल प्रसाद इत्यादि भांग पत्र मंदार पत्र धतूर फूल धतूर फल से भगवान शिव की पूजा करते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। इस बार संक्रांत के सुबह, संक्रांत कल रविवार को था 17 तारीख को, आज दिनांक 18 तारीख को प्रथम सोमवार व्रत रखा गया है। इस बार श्रावण मास में संक्रांत के आधार पर 5 सोमवार और पूर्णिमा तिथि के आधार पर 4 सोमवार व्रत किया जाएगा। खबर है दरभंगा से, जहां सावन की पहली सोमवारी को लेकर शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्यामा माई परिसर पहुंचे भक्तगण। इस मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। जो लोग काशी विश्वनाथ नहीं जा पाते वह लोग जल अभिषेक यहां करते हैं। यह टेंपल महाराजा के द्वारा बनवाई गई थी और काशी से मूर्ति को लाया गया था, इसलिए इस जगह का विशेष महत्व है। संध्या से रात्रि तक जल अभिषेक करने के लिए यहां लोग आते हैं। सुबह से दोपहर तक पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, वहीं संध्या होते ही महिला की संख्या जल अभिषेक करने के लिए बढ़ जाती है। लोगों की भीड़ अभी भी लगी हुई है। सावन मास को अपना सर्वश्रेष्ठ पूजा के लिए प्रशस्त माना गया है। सावन सावन मास की पहली सोमवारी आई थी। आज प्रातःकालीन पूजा के बाद सा लोग हर हर महादेव बोलबम कखन हरब दुखोर के जय जय अपन अपन अर्जी ले गए हैं। हर तरह जिनका जय भक्त को जय तरह मिलन है। कहल गए हैं कि सावन महीना सोमवार दिन का प्रत्येक सावनक प्रत्येक दिन जय भावना से जय अर्जी लगू छ महादेव मनोकामना पूर्ण करें। युवराज एजेंसी The Smart Future मिथिलांचल का गौरव अब दरभंगा में। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए युवराज एजेंसी की एक अनोखी पहल। बिहार का पहला अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा सर्विसिंग की सुविधा। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप। मोर पावरफुल इनहेंसमेंट माइलेज इको फ्रेंडली राइडिंग, क्योंकि यह है आपके न्यू एज एनर्जी। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाइकर।